नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा सिक्योरिटी काउंसिल का, या जिसे सुरक्षा परिषद भी कहा जाता है दोस्तों। तो सुरक्षा परिषद में सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखेंगे दोस्तों। इसमें कंपोजिशन, मेंबरशिप, इसका प्रेजिडेंट, वोटिंग जो है, वो सारे जो टॉपिक हम को डिस्कस करेंगे। सिक्योरिटी काउंसिल का जो प्रोविज़न है दोस्तों यूएन के चार्टर के अंडर, वो चैप्टर 5 के अंडर है, आर्टिकल 23 से 32, जो स्पेसिफिकली विशेष तौर पे डील करता है, वो सिक्योरिटी काउंसिल से डील करता है। आर्टिकल 7 ऑफ द यूएन चार्टर जो है दोस्तों, उसमें कहा गया है कि सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो मेन ऑर्गन या प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, जैसे कि हमारे पास इसके अलावा 5 और हैं, कुल मिलाकर 6 हैं। इसके साथ ही दोस्तों जो सिक्योरिटी काउंसिल है उस पर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी फर्स्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इस पर है सुरक्षा परिषद पर, कि ये अंतर्राष्ट्रीय या इंटरनेशनल जो पीस सिक्योरिटी है उसको बनाए रखें। आर्टिकल 23 ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर जो है दोस्तों, उसके अंदर ये प्रोवाइड करवाया गया है कि सिक्योरिटी काउंसिल की जो मेंबरशिप होगी वो 15 होगी, यानी कुल मिला के 15 मेंबर्स होंगे इसके अंदर, जिसमें से 5 हमारे होंगे दोस्तों परमानेंट और 10 होंगे नॉन परमानेंट अस्थाई। स्थाई और अस्थाई मेंबरशिप है इसमें। 5 जो है दोस्तों वो हमारे पास रशिया है, चाइना है, इंग्लैंड है, फ्रांस है और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। जहाँ तक बात है नॉन परमानेंट मेंबरशिप की, तो वो बाकी जितने भी मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन के उनमें से ही चुने जाते हैं रैंडमली, यानी कि मौका दिया जाए, सभी को मौका दिया जाए, बार बार उनका चुनाव किया जाता है। जो चुनाव है इनका दोस्तों नॉन परमानेंट यानी कि जो परमानेंट नहीं है उनका, वो जनरल असेंबली के द्वारा किया जाता है। और इनका चुनाव करते वक्त 3 चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है। पहली तो ये है कि इस देश का इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए कितना कंट्रीब्यूशन है। दूसरा, अदर पर्पज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो हमारे यूनाइटेड नेशन के और ऑब्जेक्टिव हैं उनको फुलफिल करने में भी क्या रोल रहा है इस देश का। और तीसरा है दोस्तों इक्विटेबल ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो सीट्स हैं उनको ज्योग्राफिकली यानी जो भौगोलिक स्थिति पर इस तरह से बांटा जाए कि सभी देश, यानी कि जैसे हम जानते हैं 193 जो देश हैं यूनाइटेड नेशन में, तो उन सभी को नॉन परमानेंट मेंबर बनने का मौका मिले। और जहाँ तक बात करें दोस्तों टेन्योर यानी कि नॉन परमानेंट मेंबर जो होंगे वो कितने टाइम के लिए चुने जाएंगे, तो वो 2 साल के लिए चुना जाता है। और 2 साल जब वो चुन लिया जाता है तो उसके बाद उसका जो चुनाव है बहुत जल्दी पॉसिबल नहीं होता है, यानी कि जो री इलेक्शन दोबारा से आप अगर चुने जाएँ सिक्योरिटी काउंसिल में, इसकी संभावना बहुत जल्दी नहीं बनती है, क्योंकि कंट्री बहुत ज़्यादा है, 193 देश हैं, तो उनमें से फिर सबको मौका देना पड़ता है। इसलिए जैसे कि इंडिया जो था वो चुना गया था 2010 में, तो 2012 तक वो नॉन परमानेंट मेंबर रहा है और उसके बाद अभी तक वो चुना नहीं गया है। अब बात करते हैं दोस्तों जियोग्राफिकल इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है यानी भौगोलिक परिस्थिति पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है। तो उसमें दोस्तों जो अफ्रीका महाद्वीप है और एशिया महाद्वीप है इनको 5 सीटें दी गई हैं। वैसे इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अफ्रीका 3 और एशिया 2 भी माना जाता है, पर कुल मिला के मैं बोल रहा हूँ तो वो 5 रखिएगा कि 5 सीट अफ्रीका या एशिया से चुनी जाती है। ईस्टर्न यूरोप यानी कि जो पूर्वी यूरोप है उसको 1 सीट है। लैटिन अमेरिका यानी कि दक्षिणी अमेरिका जो है उसको 2 सीट है। और वेस्टर्न यूरोप यानी जो पश्चिमी यूरोप है उसको और अदर्स को, इसके अलावा जो भी बचता है उसको 2 सीट्स हैं। तो ये दोस्तों कुल मिला के होगी आपकी 10 सीट, 10 ये और 5 आपके परमानेंट यानी कि 15 सीट्स। नॉन परमानेंट के जो दोस्तों रिप्रेजेंटेटिव है वो 1 होता है, यानी कि एक एक इनका प्रतिनिधि जो होता है वो सिक्योरिटी काउंसिल में होता है। मेंबरशिप को लेकर एक इम्पॉर्टेंट नोट है दोस्तों कि जो आज 15 मेंबरशिप है सिक्योरिटी काउंसिल की, ये 15 नहीं थे पहले, पहले ये 11 थे। ये 15 हुए हैं दोस्तों 1965 यानी 1965 को ये 11 से 15 हुए थे। और उस समय जो कंट्री थी यूनाइटेड नेशन की वो थी 113, आज हो गई हैं 193 यानी 113 और 193। इसीलिए कहा जाता है कि जो परमानेंट मेंबरशिप है उसको बढ़ाया जाए, उसमें इंडिया भी ये कहता है कि हमें भी शामिल किया जाए। बाकी कंट्रीज भी कहती हैं कि जैसे मेंबरशिप बढ़ी है यूनाइटेड नेशन की उसी तरह से परमानेंट जो मेंबर हैं उनकी संख्या भी बढ़ानी चाहिए। तो अब बात करते हैं दोस्तों प्रेसिडेंट की, यानी सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट कौन होता है। तो दोस्तों जितने भी मेंबर हैं चाहे वो परमानेंट हैं चाहे वो नॉन परमानेंट हैं, उनको बारी बारी से सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट बनने का मौका मिलता है। और ये जो टेन्योर होता है 1 महीने का होता है। और एट प्रेजेंट यानी इस महीने यानी अप्रैल 2019 की जो प्रेसिडेंटशिप है वो है जर्मनी के पास, और आने वाले महीने में यानी मई में
ये प्रेसिडेंटशिप जाएगी वो जाएगी इंडोनेशिया के पास। इसका जो अरेंजमेंट है वो अल्फ़ाबेटिकली होता है, यानी कि जैसे जर्मनी जी फॉर जर्मनी, जी एच आई इंडोनेशिया, उसके बाद इंडोनेशिया आएगा। तो इस तरह से इसका मैनेजमेंट किया जाता है प्रेसिडेंटशिप का। अब बात करते हैं दोस्तों वोटिंग प्रोसीजर की, यानी कि जब भी सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग होती है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, तो वो आर्टिकल 27 जो है यूनाइटेड नेशन चार्टर का उसमें दिया गया है। इसमें कहा गया है दोस्तों कि जितने भी मेंबर होंगे सिक्योरिटी काउंसिल के, चाहे वो परमानेंट हैं चाहे नॉन परमानेंट हों, उनके पास एक एक वोट होगा, यानी हर मेंबर के पास एक वोट होगा। जहाँ तक वोटिंग क्या बात है दोस्तों, उसको डिवाइड किया गया है प्रोसीजरल मैटर पर क्या वोटिंग होगी और सब्सटेंशियल या जिनको ऑल अदर मैटर भी कहा जाता है उन पर क्या वोटिंग होगी। तो ये दो डिवीज़न की गई हैं। प्रोसीजरल मैटर पर जो वोटिंग होगी दोस्तों उसमें नो वोट चाहिए, अगर कोई रेजोल्यूशन पास करवाना है तो नो वोट चाहिए, चाहे वो परमानेंट के हों चाहे नॉन परमानेंट के हों प्रोसीजरल मैटर पर। अगर बात करें सब्सटेंशियल मैटर पर तो उस पर चाहिए होते हैं नो वोट, अगेन नो ही चाहिए वोट, पर उसमें ये होता है कि वहाँ कंकरिंग वोट चाहिए, यानी वोट चाहिए विद अफर्मेटिव, पांच जो परमानेंट मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल के उनके वोटों का होना वहाँ बहुत ज़रूरी है। और ध्यान रखिएगा जब इन सब्सटेंशियल मैटर में कोई परमानेंट मेंबर जो है वो डिसएग्री हो जाता है या प्रोटेस्ट करता है तो उसे ही वीटो कहा जाता है, याद रखिएगा सब्सटेंशियल मैटर में। अब सवाल ये है कि प्रोसीजरल और सब्सटेंशियल ये क्या चीज़ें हैं। प्रोसीजरल होता है दोस्तों जैसे कि प्रोसीडिंग, जो कार्य संबंधी जो अगर कोई दिक्कत आती है तो सिक्योरिटी काउंसिल उस पर रेजोल्यूशन दे सकती है, ठीक है ना, जैसे कि उसकी फंक्शनिंग है। अब इसमें आर्टिकल 30 है दोस्तों जो यूनाइटेड नेशन का है, उसमें कहा गया है कि सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो अपना प्रोसीजर खुद ही तय करेगी कि उसे कैसे करना है क्या करना है, वो सब वो खुद अपने रेजोल्यूशन। तो वो जो चीज़ है वो है प्रोसीजरल, यानी अपने जो डे टू डे रूटीन है उसको लेकर अगर कोई दिक्कत है तो उसको लेकर रेजोल्यूशन जो होगा वो होगा प्रोसीजरल मैटर। इसके अलावा और जितने भी मैटर होते हैं, वर्डिंग यूज़ की गई है आर्टिकल 27 के अंडर ऑल अदर मैटर, जिनको सब्सटेंशियल मैटर भी कहा जाता है या नॉन प्रोसीजरल मैटर भी कहा जाता है, अगर उन पे जाता है तो फिर वहाँ पर जो पांच परमानेंट मेंबर हैं दोस्तों उनका वोट जो है वो अफर्मेटिव होना, यानी कि उनकी सहमति होना ज़रूरी है। अगर कोई असहमत होता है मीटिंग में आकर तो समझ लीजिए उसने वीटो का प्रयोग कर दिया है। वीटो पर दोस्तों, वीटो पावर पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल पे जाकर उस पर वो जो टाइटल है मैंने थंबनेल का वो दिया हुआ है, वीटो पावर एंड डबल वीटो पावर, वो दोनों मैंने डिस्कस की हैं, डिटेल वहाँ पर मिल जाएगी। तो नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों फंक्शंस एंड द पावर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें जो पहला जो हमारा है टॉपिक वो मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। बड़ी ऑब्वियस सी बात है, ये मैं पहले भी डील कर चुका हूँ कि जो सबसे पहला दायित्व, जो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिक्योरिटी काउंसिल की, वो ये है कि ये इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को बनाए रखे। बड़ी ऑब्वियस सी बात है जो यूएन का कंसेप्ट है वो इसी पर आया है, और इस पे जो पावरफुल नेशन थे उस वक्त जिन्होंने वर्ल्ड वार जीता था वो सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबर हैं, और उन पर ही ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करें। इसमें दोस्तों आर्टिकल 25 ऑफ द जो यूएन चार्टर है उसमें कहा गया है कि जितने भी मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन के वो सिक्योरिटी काउंसिल के जितने भी रेजोल्यूशन होंगे उनको वो बाइंडिंग होंगे उन पर। दोस्तों मेंटेनेंस ऑफ द पीस एंड सिक्योरिटी कैसे होगा, इसके लिए पहले तो हम देखेंगे चैप्टर नंबर 6 ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर, जिसका आर्टिकल 33 और 34 और उसके साथ और भी रेलिवेंट हैं, पर हम यहाँ डिस्कस करेंगे 33, 34, क्योंकि ये जो हैं ये हम लेटर ऑन डिस्कस करने वाले हैं किसी टॉपिक में डिटेल में। आर्टिकल 33 में कहा गया दोस्तों कि कोई भी पार्टीज होती हैं उनके अगर उनके बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, यानी कि कोई नेशन या कोई देश होते हैं, तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले जो अपना डिस्प्यूट है उसको पीसफुली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसमें आर्बिट्रेशन आता है, उसमें कॉन्सिलेशन आता है, उसमें मीडिएशन आता है, उसमें जुडिशियल सेटलमेंट आता है, या फिर कोई रीजनल एजेंसीज हो यानी कि क्षेत्र के लेवल पर जैसे एशिया अफ्रीका में, तो उसके पास भी जाकर अपने डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकते हैं, पर पीसफुली। दोस्तों आर्टिकल 34 के अंडर जो सिचुएशन है वो सिक्योरिटी काउंसिल के पास जा सकती है, सिक्योरिटी काउंसिल उसको इन्वेस्टिगेट कर सकती है मैटर को और देखती है कि कहीं मैटर ऐसा तो नहीं है कि जिससे कि इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी जो है उसको कोई थ्रेट है। अब चलते हैं दोस्तों चैप्टर 7 के अंडर। चैप्टर 7 के अंडर जो सिचुएशन है थोड़ी वो ग्रिम है, थोड़ी सीरियस है। उसमें कहा गया है कि भाई अगर इस तरह कोई थ्रेट आ जाता है इंटरनेशनल पीस को लेकर या सिक्योरिटी को लेकर, यहाँ कोई एक्ट ऑफ एग्रेशन होता है, कोई अटैक करने की कोशिश करता है एक नेशन दूसरी नेशन पर, तो उस सिचुएशन में सिक्योरिटी काउंसिल का रोल क्या रहेगा। तो इसमें दोस्तों चैप्टर 7 में पहले तो ये डिटरमाइन करना पड़ेगा कि क्या कोई थ्रेट इस तरह का एग्जिस्ट करता है,
क्या कोई वाकई में थ्रेट है कि जिससे कि इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी जो है उसको कोई इंडेंजर है। नेक्स्ट दोस्तों कि इसमें डिसाइड किया जाएगा कि क्या मेजर्स, क्या तरीके हमें यूज़ करने चाहिए कि ये जो प्रॉब्लम अराइज हुई है इसको सॉल्व किया जाए। तो उसमें सबसे पहले जो बात कही जाती है वो ये कहा जाती है कि भाई आप यूज़ करिए इकोनॉमिक सेक्शन का, यानी आर्थिक प्रतिबंध लगा देना किसी पर, है ना, उस तरह की चीज़, या कोई उनका रेल नेटवर्क को ब्लॉक कर दीजिए, या उनका जो सी रूट है यानी जो समुद्री जहाज जिसमें चलते हैं उसको ब्लॉक कर दीजिए, या इस तरह की चीज़ें करिए ताकि वो जो देश है वो अपने अपनी जगह पर विड्रॉल हो जाए और जो एक थ्रेट एग्जिस्ट है उसको कम किया जाए। इसके साथ ही दोस्तों आर्म्ड फोर्सेस का यूज़, यानी कि मान लीजिए कि अगर इकोनॉमिक सेंक्शन काम नहीं कर रहे हैं, रेल रूट या सी रूट को अपना ब्लॉक कर दिया, उसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो फिर क्या करेंगे आप कि आप उस पर बाय एयर बाय सी बाय लैंड यानी किसी भी तरह से कोई अटैक करने की भी आप सोच सकते हैं अगर आपको लगता है कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं हो रही है तो। साथ ही साथ दोस्तों इसमें जो चैप्टर 7 के अंडर सिक्योरिटी काउंसिल बाकी देशों को भी कह सकती है कि भाई आप भी अपना योगदान दीजिए ताकि ये जो सिचुएशन है इसको कंट्रोल किया जा सके। साथ ही साथ दोस्तों इसमें जो लास्ट प्रोविज़न है वो है मिलिट्री स्टाफ कमेटी, यानी कि मिलिट्री स्टाफ कमेटी भी का गठन किया जा सकता है उसका, और वो जो है दोस्तों वो सिक्योरिटी काउंसिल को एडवाइज़ करेगी आर्मी से रिलेटेड मैटर को लेकर कि भाई हम अपनी जो यूनाइटेड नेशन की आर्मी है उसको कैसे यूज़ करें, कैसे मेंटेन करें, वो सब जो चीज़ें हैं उसके अंडर वो एडवाइजेबल होगी। तो ये हैं दोस्तों हमारे पास दो मेजर जो कि चैप्टर 6 और 7 के अंडर हैं, उनको हम डिटेल में बाद में डिस्कस भी करेंगे। तो अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट इलेक्टिव फंक्शन। ये सभी जो पहले प्रोविजन थी वो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के अंडर थी, उसके बाद है अब इलेक्टिव फंक्शन पॉइंट 2। तो इलेक्टिव फंक्शन में पहले जो है दोस्तों इसका कि ICJ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो स्टेट्यूट है, जिसको एक्ट है, उसका जो आर्टिकल 4 और 8 है उसके अंडर जो सिक्योरिटी काउंसिल का रोल रहता है ICJ के जजेस को चुनने में। इसके साथ ही दोस्तों यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है उसका जो आर्टिकल 97 है यानी 97 उसके अंडर ये सेक्रेटरी जनरल का चुनाव करने में भी जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका रिकमेंडेशन करती है। नेक्स्ट है दोस्तों सुपरवाइजरी फंक्शन पॉइंट नंबर 3। तो सुपरवाइजरी फंक्शन इसके उतने नहीं हैं जितने कि जनरल असेंबली के हैं, पर फिर भी कुछ फंक्शन हैं जो परफॉर्म करती है, जैसे कि आर्टिकल 5 जो है यूएन चार्टर का, उसमें दोस्तों सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो किसी मेंबर के खिलाफ अगर उसका कोई एक्शन लिया गया हो इन्फोर्समेंट से लेकर या कोई और एक्शन हो तो उस मेंबर की जो राइट्स और लाइबिलिटीज हैं उनको क्या कर सकती है, सस्पेंड कर सकती है जो सिक्योरिटी काउंसिल है, और उनको रिस्टोर भी कर सकते, यानी कि किसी मेंबर के अधिकार विशेषाधिकार को छीन लेना और उसको फिर वापस देना। छीन लेने में उसकी रिकमेंडेशन होती है, पर जब वो वापस देती है तो सिर्फ सिक्योरिटी काउंसिल ही वैसा कर सकती है, यानी कि अगर सिक्योरिटी काउंसिल चाहे तो वो वापस दे सकती है, अगर वो चाहे तो वो ना दे, इस पर कोई कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद है दोस्तों आर्टिकल 6 ऑफ द यूएन चार्टर, जिसके अंडर की सिक्योरिटी काउंसिल अगर कोई ऐसा कोई मेंबर है यूएन का जो कि रेगुलरली लगातार जो है वो यूएन के जो प्रिंसिपल हैं उसका जो मोटो है उसका जो आइडियोलॉजी है उसको वायलेट कर रहा है तो उसको भी यूएन से निकाला जा सकता है, हालांकि इसमें जनरल असेंबली जो है उसका भी रोल रहता है। नेक्स्ट है दोस्तों कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन। तो इसके बारे में आर्टिकल 108 ऑफ द यूएन चार्टर जो है, यानी कि 108 जो आर्टिकल है दोस्तों, उसमें कहा गया है कि कोई भी अमेंडमेंट यानी किसी तरह का कोई संशोधन नहीं किया जा सकता यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है उसमें बिना रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, यानी जब तक सिक्योरिटी काउंसिल रिकमेंड नहीं करेगी आप ऐसा नहीं कर सकते। इसके साथ साथ ही दोस्तों जो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं उनका भी अफर्मेटिव वोट होना जरूरी है, यानी कि अगर उनमें से भी कोई वीटो कर दे तब भी आप जो है अमेंडमेंट नहीं कर सकते। तो अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों बाइंडिंग फोर्स ऑफ द रेजोल्यूशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल के जितने भी प्रस्ताव होते हैं या रेजोल्यूशन होते हैं उनकी बाइंडिंग फोर्स क्या है। तो इसके बारे में दोस्तों आर्टिकल 25 है यूनाइटेड नेशन चार्टर का, जिसमें ये साफ तौर पे लिख दिया गया है कि जितने भी मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन के वो सिक्योरिटी काउंसिल के जितने भी रेजोल्यूशन होते हैं उनको मानेंगे, उनको फॉलो करेंगे और उन पर काम करेंगे जैसा कि सिक्योरिटी काउंसिल कहती हो। इसमें दोस्तों कुछ जो कंट्रोवर्सी है, इसमें कहा जाता है कि जो चैप्टर 7 है यूएन चार्टर का वो तो बाइंडिंग है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, पर क्या सारे रेजोल्यूशन यानी कि जितने भी रेजोल्यूशन हैं सिक्योरिटी काउंसिल के वो बाइंडिंग होंगे कि नहीं। तो इसमें दोस्तों एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का एक एडवाइजरी ओपिनियन है जो उसने दिया था एक केस में साउथ अफ्रीका इन नामीबिया, जिसे साउथ वेस्ट अफ्रीका केस भी कहा जाता है। तो इसमें दोस्तों कोर्ट ने कहा कि भाई हमें लगता है कि अकॉर्डिंग टू जो आर्टिकल 25 यानी जो 25 आर्टिकल है यूनाइटेड नेशन के चार्टर का, उसके अंदर तो भाई सभी जो डिसीजन होंगे सिक्योरिटी काउंसिल के तो वो बाइंडिंग होंगे सभी मेंबर्स पर। तो
तो इस पे दोस्तों जो देश थे इंटरनेशनल कम्युनिटी के, उन्होंने कहा कि भाई पहली बात तो ये है कि ये जो है एक एडवाइजरी ओपिनियन है, इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। बड़ी वजह से वो एडवाइस थी, वो एज जिसे कहा जाता है ऑर्बिटर डिक्टम थी, रेशो डेसिडेंडी नहीं थी। हालांकि दोस्तों कुछ देश जो है वो इस डिसीजन को मानते हैं, कुछ इसको नहीं मानते हैं, कुछ देश जो है इसकी कुछ बातें मान लेते हैं, कुछ नहीं मानते। तो ये एक तरह से जो कंट्रोवर्सी है वो एग्जिस्ट करती है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ है और इंटरनेशनल लॉ में जो हमारा चार्टर है वो भी हमें कुछ राइट देता है कि भाई डोमेस्टिक ज्यूरिसडिक्शन में आप इंटरवीन नहीं कर सकते, या एक कंट्री अपनी म्यूनसिपल लॉ में क्या कर रही है उसका इंटरवेंशन नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं दोस्तों कि अकॉर्डिंग टू चार्टर तो वो बाइंडिंग है, यानी चार्टर में ये लिख दिया गया कि भाई ये बाइंडिंग है। पर क्योंकि कुछ जो लिबर्टी है वो चार्टर भी देता है देशों को, इसलिए देश उस लिबर्टी को लेते हैं और उसको डिफेंस बना के इस चीज़ को रोकने की कोशिश करते हैं जब वो उनके हित में नहीं होता है। तो लास्ट में दोस्तों रोल ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ओवरऑल, तो ओवरऑल पोजीशन क्या रही है सिक्योरिटी काउंसिल की। दोस्तों जब दोस्तों ये सिक्योरिटी काउंसिल स्टार्टिंग में बनाई गई थी तो उसका रोल स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि इसके पास वीटो थी, क्योंकि इसकी पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग थी और कारण से भी। पर जब यूनाइटिंग फॉर द पीस रेजोल्यूशन 1950 जो आया तो उसमें जो था दोस्तों जनरल असेंबली को भी जो पीस एंड सिक्योरिटी के मामले में एक बड़ी तरजीह दी गई और इसकी जो पावर थी उस पर डिवीज़न हो गया। और दूसरी बात ये दोस्तों कि जो वीटो की पावर है वो बहुत ही नुकसानदेह साबित हुई सिक्योरिटी काउंसिल के लिए, क्योंकि वीटो एक ऐसी पावर थी अगर एक देश भी किसी मामले में अप्लाई कर देता था उसे तो फिर मामला वो आगे नहीं बढ़ता था, जिसका अल्टीमेट रिजल्ट ये हुआ कि सिक्योरिटी काउंसिल का फेलियर हो गया। यानी कि ऑब्वियस सी बात है, अगर सिक्योरिटी काउंसिल कोई निर्णय ही नहीं ले पा रही है, रेजोल्यूशन ही पास नहीं करवा पा रही, सिर्फ इसलिए कि क्योंकि कोई मेंबर एक उठ के वीटो कर देता है, तो उसकी जो रेलिवेंसी थी वो कम हो गई। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि वीटो जो कि इसलिए दी गई थी सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर को कि ये पावरफुल बने, ये निर्णायक बने, वही इन सिक्योरिटी काउंसिल के पतन का कारण बन गई। पर फिर भी हम कह सकते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल की जो आज इम्पोर्टेंस है फिर भी वो कम नहीं हुई है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि ये ग्रुप ऑफ द मोस्ट पावरफुल नेशन है, तो ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। इसीलिए इंडिया जो है वो डिमांड करता है परमानेंट मेंबरशिप की सिक्योरिटी काउंसिल की, कि भाई इसको बढ़ाया जाए। तो दोस्तों सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड थैंक यू वेरी मच।